एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया वाला वेट लॉस फॉर्मूला। एक्चुअली ये जो वेट लॉस फॉर्मूला है ये बहुत तेजी से वर्क इसीलिए करेगा क्योंकि इसके अंदर जो सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं वो काफी ज्यादा अच्छे वाले हैं और बहुत तेजी से वर्क करते हैं वो। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है अगर आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो। कोई बात नहीं, हमारा वजन जो है ना बढ़ता तो बहुत तेजी से है लेकिन इसको घटाने में, कम करने में टाइम लगता ही है। तो आप पेशेंस रखो, टेंशन मत लो, ठीक है, स्ट्रेस फ्री रहो और जो होम रेमेडी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसको लंबे टाइम तक फॉलो कीजिए। साथ साथ आपने जो है ना फ्राइड फूड नहीं खाना, जंक फूड नहीं खाना और आपने योगा, एक्सरसाइज, वर्कआउट वगैरह साथ में जरूर करना है। वर्कआउट करने से क्या होता है कि जो भी आप फॉर्मूला फॉलो कर रहे हो ना उसका रिजल्ट जो है ना वो थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो ऐसे में आपको अपनी ओवरऑल डाइट का भी ख्याल रखना है, वर्कआउट करना है और इस होम रेमेडी को लंबे टाइम तक फॉलो करना है। चलो अब ज्यादा बातें नहीं करते हैं, फटाफट से देख लेते हैं कि हमने इस होम रेमेडी को कैसे बनाना है, कैसे फॉलो करना है। इस वेट लॉस फॉर्मूले को बनाने के लिए हमें जो है ना एक गिलास के करीब जो है पानी चाहिए। आपने नॉर्मल पानी लेना है और इस पानी के अंदर आपने ऐड करना है मिंट लीव्स। एक्चुअली पुदीने की पत्तियां जो होती हैं ना ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी होती हैं, बहुत तेजी से वर्क करती हैं, आपकी बॉडी के ओवरऑल फैट को मेल्ट करने में, डिटॉक्सिफाई करने में आपकी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा वर्क करती हैं। ये फ्रेश मिंट लीव्स हैं जो कि मैंने घर के एक प्लांट से ही जो है ना इसको लिया है। वॉश करना है और फिर इसकी कुछ पत्तियाँ जो है ना इस एक गिलास पानी के अंदर डाल देनी है। तो ये पत्तियाँ इसके अंदर डिप हो गई हैं। नेक्स्ट आपने जो है इसके अंदर डालना है यहाँ पर जिंजर के कुछ पीसेस, यानी कि अदरक के टुकड़े पतले पतले कट किए हैं मैंने। ये बॉडी से फैट को मेल्ट करने में बहुत अच्छा होता है। अदरक जितना मैं कहूँ ना उतने ही इसके गुण कम होंगे गाइस, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है, गुणों की खान है, ये वेट लॉस के लिए बहुत बहुत ज़्यादा वर्क करता है। तो इस तरह से ये छोटे छोटे पीसेस लिए हैं मैंने और इसके अंदर मैंने इनको भी ऐड कर दिया है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर ऐड करना है जीरा। एक्चुअली जीरा जो होता है ना ये आपने इतनी क्वांटिटी में लेना है जितना मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। वन स्पून ज़्यादा भर के नहीं लिया मैंने, ठीक सा लिया है, ठीक है। और जीरा जो होता है ये वेट लॉस के लिए बहुत बहुत तेज़ी से वर्क करता है। लेकिन आज का हमारा फॉर्मूला जो हम तैयार कर रहे हैं थोड़ा डिफरेंट तरीके का है। जीरे का पानी तो आपने पहले भी पिया होगा वेट लॉस के लिए, लेकिन आज का जो फॉर्मूला है ये बहुत डिफरेंट तरीके से तैयार होगा और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छे वाला मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया जीरा, लेना है और इसके अंदर आपने इसको डाल देना है। थोड़ा सा हिला देते हैं। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट यहाँ पर ऐड करना है गाइस वो है, इसमें ऐड करूंगी मैं मेथी दाना। मेथी दाना जो है आप देख रहे हो क्वांटिटी मैंने आधा चम्मच ली है। मेथी दाना जो है ये वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत तेजी से वर्क करता है। सारी चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर देना है। मेथी दाने की बात कर रही थी तो मेथी दाना जो है ये वेट लॉस के लिए तो बढ़िया ही है, हमारी बॉडी को फिट एंड फाइन भी करता है, प्लस ये आपकी बॉडी में किसी भी तरह का पेन हो रहा है तो उस पेन को भी कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो गाइस ये हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, इसको ना इस जार को आपने बंद करके रखना है एक से दो घंटे के लिए। एक से दो घंटे के लिए जब आप इसको बंद करके रख दोगे और उसके बाद जब इस्तेमाल में लाओगे ना तब इसका रिजल्ट देखिएगा कितना ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए अब इसको एक या दो घंटे के लिए बंद करके मैं ऐसे ही रख देती हूँ। मिलते हैं आफ्टर 1 or 2 hours। गाइस 2 hours के बाद आप देखोगे कि आपके ड्रिंक का जो कलर है वो थोड़ा चेंज हो गया है। और अब आपने जो है ना इसको जो है एक पैन में डालकर इसको बॉयल करना है। फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखनी है, ठीक है। आपने मीडियम फ्लेम से पकाते हुए लो फ्लेम पर भी इसको पकाना है ताकि आपका ये जो ड्रिंक रेडी हो रहा है ये थोड़ा सा क्वांटिटी इसकी रिड्यूस हो जाए और जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो सारे के सारे अच्छे से पक जाएं। बीच बीच में आपने ये चेक करना है कि मेथी दाना पहले से सॉफ्ट हुआ है या नहीं, जीरा पहले से सॉफ्ट हुआ है या नहीं, ठीक है। तो जैसे ही आपको लगे कि वो सॉफ्ट हो गए हैं और आपका ड्रिंक का जो क्वांटिटी है वो भी कम हो गई है तो आप गैस बंद कर दीजिए और उसको थोड़ा सा ठंडा करके, हल्का सा ठंडा करके आपने एक जार के अंदर उसको शिफ्ट कर लेना है। आपने जो है इसको स्ट्रेन करने के बाद पीना है और मॉर्निंग में खाली पेट आराम से फ्रेश होने के बाद बैठकर सिप सिप करके पीना है। कॉन्टिन्यूसली अगर आप इस ड्रिंक को 1 month तक फॉलो करते हो तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो गाइज आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मिलूंगी आपको अदर फैंटास्टिक वीडियो के साथ। अब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे एट होम। बाय बाय।